कहते हैं प्रिपरेशन बिफोर इनविटेशन। इनविटेशन से पहले हमको क्या करना चाहिए? इनविटेशन से पहले हम लोग क्या करते, अरे याद आया कि अरे एसटीपी करना है, फटाक करके हम फोन लगा देते और इनवाइट करते, जो भी मन आते बोल देते। अल्टीमेट इनवाइट करे, सर इनविटेशन तो आया नहीं, क्योंकि हर चीज का एक प्रिपरेशन होता है। हम लोग विदाउट प्रिपरेशन, अरे याद आ रहे उसको इनवाइट करना है, आप लाइन बोला इनवाइट करो, चलो फोन लगा दिया, हेलो ऐसा ऐसा ऐसा, नॉट लाइक दैट। इनविटेशन से पहले कुछ प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। क्या प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल किसको किसको हम इनवाइट करेंगे उसका एक शॉर्ट लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है, जो लिस्ट बिल्डिंग से हम निकालेंगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जिसको जिसको उसको टिक करेंगे कि ये हम पांच लोगों को आज इन्विटेशन करेंगे, इन्वाइट करेंगे। ये पांच लोगों को अगर इन्वाइट करते हैं तो ये पांच लोगों को बारे में थोड़ा बहुत हम लिख लेंगे, दो दो लाइन करके अपने ब्रेन में सेट कर लेंगे। क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट विथ इट्स नीड, मतलब आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ए प्रोस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्विटेशन करने से पहले आज के सिचुएशन के वाइज हम दो चार चीज को देख लेना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि वो क्या करता है। वो अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन वो क्या पढ़ाई कर रहा है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो अभी क्या स्कूल में कॉलेज में नहीं जा पा रहा है, उसका करियर का क्या होगा, तो हम इसको करियर को लेके ज़्यादा बात करेंगे। अगर इनवाइट करते हैं तो वो अगर जॉब करता है तो अभी जॉब का हालत क्या है, उस चीज़ को लेके हम बात करेंगे, उसका हमको डेटा निकाल के रखना है। अगर उसके घर में बुजुर्ग इंसान है तो उधर से भी अफेक्ट होने का चांस है, मतलब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके घर के लिए, वो बहुत ही चिंतित है हेल्थ के बारे में। ये सारे चीज दो तीन पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमको बात करने में सुविधा होगा, नहीं तो हम क्या बोलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अल्टीमेट इनविटेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ए प्रोस्पेक्ट, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका नीड कहाँ पे है, राइट। उसके बाद सेकेंड हम इसको बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कि हम इन्वाइट करने के बाद वो कहाँ रहता है। वो समझ लो आप जहाँ पे रहते हैं उसे 100 किलोमीटर दूर में रहता है, मतलब अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, 100 किलोमीटर हम पॉसिबल होगा कि नहीं अभी इस मूवमेंट में, स्टेट वाइज हर जगह में वेरी करता है, राइट। तो इतना किलोमीटर हम मूव कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पास साधन है कि नहीं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। खाली इन्वाइट कर लिया और एसटीपी सुना लिया ये भी नहीं, उसके साथ साथ हमको फॉलो भी करना बहुत जरूरी है, तो हम उसको टच कर पाएंगे कि नहीं। तो दो कैटेगरी होता है, एक फिजिकली जो एक्सेसिबल, मतलब हम फिजिकली उसको हमको टच कर पाएंगे, उसको इनवाइट कर सकते, तो इसका एक लिस्ट बनाएंगे जो हम फिजिकली उसको आसपास में रहता है उसके पास चले जाएंगे या उसको हम बुला सकते हैं अपने घर में, ये लिखना है। और एक वर्चुअल मोड, मतलब हमारा जूम प्लान जो होता है या वर्चुअल मोड पे जो एसटीपी होता है तो उसको सुनाना है, क्योंकि वो हमारे पास आ नहीं पाएगा, हम उनके पास जा नहीं पाएंगे, तो ये मोड ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्यादातर प्रायोरिटी देंगे जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है उन लोग, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे फास्ट, उसके बाद हम वर्चुअल मोड में जाएंगे, राइट। हाँ, अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग डरे हुए है, लोग मायूस है, लोगों में एनर्जी नहीं है, लोगों में वो एक्साइटमेंट नहीं है, राइट, लोगों में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन इसी जगह में आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए बातों में, वो अपने आप को एकदम करके रखना है, क्योंकि चारों तरफ प्रॉब्लम है, चारों तरफ डर है, उसके बीच में आपके अंदर में भी अगर डर रहेगा तो आप पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो नहीं कर सकते, तो अपने अंदर में भी वो पॉजिटिव एनर्जी एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो उनको भी सामने वाले को भी पता लगे जब आपसे बात करेगा, अरे बोलेगा आप इतना एक्साइटेड क्यों हो, तो आपको इनविटेशन करने में सुविधा होगा। आप इतना निडर क्यों हो, आपको इनविटेशन करने में सुविधा होगा, राइट। ये होना बहुत जरूरी है, तो जो आपके अंदर में रखना है, क्योंकि हम लोग लीडर है, लीडर वो समय काम करता है जब सब लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो अभी जो है चारों तरफ प्रॉब्लम है, हम लोग को एंटायर इंडिया में लीडरशिप देना है। अगर एंटायर इंडिया में लीडरशिप देना है, अभी हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच लेके काम करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, शेयर द अपॉर्चुनिटी विद ए सर्विंग मेंटालिटी, नॉट ए सेलिंग मेंटालिटी। हाँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, अगर सोच बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। जो लीडर है वो क्यों लीडर है, क्योंकि लीडर का जो मेंटालिटी है वो सोसाइटी को सर्विंग करना चाहता है, वो इनविटेशन इज आवर जिम्मेदारी, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्विटेशन हम ये नहीं करेंगे कि वो आ जाएगा तो मेरे को 500 रुपया का धंधा होगा, वो आ जाएगा तो 2-5 रुपया कमा लेंगे, वो आ जाएगा तो कुछ पैसा इनकम हो जाएगा, वो आ जाएगा तो मेरा पिन हो जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए नहीं, उसको हम ये मैसेज उसके लिए जरूरत है, ये हम उसको शेयर करेंगे उसके अच्छे के लिए, हम काम करेंगे फॉर मैनकाइंड,
मैनकाइंड के लिए हम काम करेंगे, ये जो मेंटेलिटी देखेंगे, अगर ये सोच अगर अच्छा रहता है तो आपको एक जोश आ जाएगा काम करने में। हमेशा देखेंगे खुद के लिए काम करने में जितना जोश नहीं आता, किसी और के लिए अगर काम करेंगे तो देखेंगे उसमें जोश बहुत अच्छा आता है। तो ये हम लोग देखे, इसलिए हम अगर उनके लिए काम करेंगे जिसको हम इन्वाइट करें, उनके बारे में सोचेंगे, अगर वो आ जाएगा तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। वो अगर आ जाएगा तो इसके बाद कोरोना के बाद कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि ये चलते रहेगा कुछ ना कुछ वायरस आएगा, लेकिन जब आते रहेगा तो कोई ना कोई, मतलब उसको आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, आने वाले समय में उसका प्रॉपर करियर, अच्छा करियर मिले, उनको हेल्थ अच्छा मिले, ये सोचकर हम उनको इनवाइट करेंगे, ये सोचकर हम उनको इनवाइट करने का प्रिपरेशन ले लेंगे, मेंटल प्रिपरेशन लेंगे, राइट। ये प्रिपरेशन ले लिया, यस अभी चलो हम इन्वाइट करेंगे। तो इन्विटेशन का कुछ प्रोसेस है जो आप लोग भी जानते हो मैक्सिमम, वो हाउ टू इन्वाइट का प्रोसेस क्या है। हम लोग फॉर्मेट थ्योरी में हम इनवाइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फोन करके तो बोलेंगे नहीं कि हम एक वंडरफुल प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं वर्चुअल कोर्स में, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। उसके पहले क्या करना चाहिए, फैमिली टीचर, अभी तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फोन करोगे तो लोग आपके बारे में एक अच्छा सा इमेज तैयार होगा कि ऐसा सिचुएशन में आपने उनके हालचाल पूछ रहे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आज के समय में बहुत पहले अगर पूछते तो अचानक सोचे अरे मेरा दोस्त क्यों पूछ रहा है भाई मेरे पापा के बारे में, मेरे मम्मी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। लेकिन अभी अगर आप अगर करोगे तो आपका वो जिम्मेदारी, मतलब आपका इमेज और तैयार अच्छा होगा उनके सामने। तो फैमिली चिटचैट में एक ही चीज अभी बोलना है, हाँ कैसा है अंकल, कैसा है आंटी, कैसा है आप, कैसे हो, आपका तबीयत कैसा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, थोड़ा बहुत बात करना है। अभी यहाँ उधर का सिचुएशन क्या है, हमारे इधर का सिचुएशन तो थोड़ा गंभीर है, आप लोगों को उधर क्या है, नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, कुछ भी बात करेंगे कोरोना के लेके। हम लोग अभी अभी एक ही है, अभी हॉट लिस्ट में कोरोना ही है, कोरोना के लेके ही बात करना है। चलो थोड़ा बात कर लिए कि अभी तो देश में ऐसे बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अभी तो सिचुएशन है। अभी घर पे आप आ गए, जॉब अगर करते हो तो घर पे हो, अगर स्टूडेंट है तो बोले घर पे हो, कैसे अपने टाइम को बिता रहे हो, कैसे टाइम को स्पेंड कर रहे हो, ऐसे अगर बातें करोगे तो धीरे धीरे उसका ऑक्यूपेशन में आ जाएगा। ऑक्यूपेशन बोले तो स्टूडेंट के लिए करियर, जॉब होल्डर के लिए अपना प्रोफेशन, बिजनेस के लिए बिजनेसमैन के लिए बिजनेस, और हाउसवाइफ के लिए वो कैसे अपने टाइम को वेस्टेज कर रहा है, कैसे वो टाइम को स्पेंड कर रहा है, हाउसवाइफ के लिए भी हम बात करेंगे, ऑक्यूपेशन में आएंगे, राइट। ऑक्यूपेशनल कर लिए, करियर के बारे में बात कर लिए, जब करियर के बारे में बात करेंगे तो उधर से बातों से आपको क्या होगा, जो आपने आइडेंटिफाई किया है उस सारे चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, हाँ तो इसको इस प्रोसेस में हम इनवाइट कर सकते हैं, राइट। इसको ये बोल के हम इनवाइट कर सकते हैं, उसका जो जो लैक है उस चीज को हम समझ पा रहे हैं, उसका जहाँ जहाँ हमको आइडेंटिफाइड हो रहा है उनसे जब बात करेंगे तो पता चलेगा उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके करियर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज को बात करते करते अपने ब्रेन में हम सेट कर लेंगे। सेट करते करते रिक्रिएशन, अभी तो रिक्रिएशन बोले तो कोई फन फन हम या मजाक उससे नहीं कर सकते, वही रिक्रिएशन थोड़ा गंभीर है, हाँ क्या होगा सही में, आज करियर का हालत बहुत खराब है, इसको लेके हम रिक्रिएशन कर सकते, अभी रिक्रिएशन कर सकते। जॉब का भी हालत बहुत खराब है, ये तो सुन रहा हूँ, इतना करोड़ों लोग को जॉब जा रहा है, इतना निकल गया हमारे आसपास का, हमारा पड़ोसी, हमारा अंकल, हमारा मामा, हमारा चाचा, ये एक दो एग्जांपल हम दे सकते जहाँ से रिक्रिएट कर सकते, वो भी उसके आपके बातों के साथ सहमत होगा। जब आपके बातों के साथ सहमत होगा उसके बाद ही आप उसको मैसेज करेंगे, हमारा जो ऑफर जो है, हमारा जो इन्विटेशन है, वो जो मैसेज जो है स्टूडेंट को स्टूडेंट वाइज करेंगे, राइट। जॉब होल्डर को जॉब होल्डर वाइज करेंगे, जो हाउस वाइफ उसको अपने अकॉर्डिंगली हम उसको मैसेज देंगे। हम मैसेज देने के बाद उसके साथ क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है, टाइम को टाइम एक बाउंड करना है, टाइम बाउंड में डाल देना है कि अभी टाइम तो सभी के पास है, सबके पास ही टाइम अभी है, फिर भी टाइम आप दो ऑप्शन में अपॉइंटमेंट ले लोगे, राइट, कि इस समय दो घंटा समय देना पड़ेगा, एक घंटा या डेढ़ घंटा समय लेना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिर सभी के पास ऐसे ही समय है, उल्टा पुल्टा टाइम को वेस्टेज कर रहा है, एक प्रोडक्टिव काम में टाइम को इन्वेस्ट करे, ऐसा करके उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अभी अपॉइंटमेंट लेना बहुत ईजी है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा एग्जाम है, मेरा ट्यूशन है, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ईजी है, लास्ट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेक अवे देना बहुत जरूरी है, राइट, कि अभी सिचुएशन ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं, कि हाँ ऐसे अपॉर्चुनिटी है, कुछ टेक अवे देना है, हाँ हमारे पास तो, जो अगर वर्चुअल मोड में अगर इनविटेशन होता है तो उधर तो एक बोल सकते कि देखो हमारा तो उधर का जो समझ ही रहे हो वर्चुअल मोड में होगा तो उसमें हमारा सीट लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी अगर नहीं बोलोगे तो आपका नाम में रख नहीं पाऊंगा, आपको लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा,
हाँ अगर बोलोगे तब जाके हम आपको लिंक शेयर कर पाएंगे, ऐसा अगर होता है। और 1:1 में करते हो तो चलो कोई बोलोगे कि देखो सीनियर लीडर के द्वारा कराते तो उधर टेक अवे करोगे आप, अगर बोलोगे तभी जाके मैं सीनियर को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ही बिजी है, उनका बहुत सारा काम है। सीनियर लीडर को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो उनका इम्पोर्टेंस है, अगर आप फाइनल करोगे तब उनको बोलेंगे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में वो दूर जाएंगे तो थोड़ा बहुत टेक अवे ये बोल के हम लोग कर सकते हैं आज के मार्केट के हिसाब से, राइट। तो अभी चलो आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पड़ाव में, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पड़ाव में। ये है कि दो वाइटल पार्ट इज कैसे हम अपने ऑफर को कैसे इनविटेशन को करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसके लिए। तो ये टोटली स्पेसिफिक जो स्पेसिफाई करके हमको इनवाइट करना है किसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट से, हम लोग मैक्सिमम जो हमारा बेस जो है वो स्टूडेंट बेस, और स्टूडेंट बेसिकली स्टूडेंट को ही इन्वाइट करेगा, वो अपना दोस्त यार जो है वो उधर से इन्वाइट करेगा, तो स्टूडेंट को ही देख लेते। तो स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, जैसे हमने अकॉर्डिंग बोले थे अपने फैमिली चीज चैट करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद करियर में आएंगे, ऑक्यूपेशन में आएंगे। जब भी ऑक्यूपेशन में आएंगे तो उसको बोलेंगे कि ऐसे करके टाइम वेस्टेज करते रहेगा तो क्या होगा, ऐसे टाइम वेस्टेज करेगा तो देख आज आज 2 दिन पहले हमारा मोदी जी भी बोले कि क्या है कि स्किल को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर स्किल को सही नहीं करते हो तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जॉब मार्केट की हालत खराब है। अगर ऐसे ही टाइम वेस्टेज करते और 2 महीना 3 महीना 4 महीना कितना महीना कितने साल ऐसे हम लोग को चलना पड़ेगा, हम लोग जा पाएंगे कि नहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उसका भी कोई गारंटी नहीं है। अरे इस बीच में हम टाइम को अगर वेस्टेज करते हैं, अगर टाइम को ऐसे ही वेस्टेज करेंगे तो हम ये डिटैच हो जाएंगे एजुकेशन से, हम डिटैच हो जाएंगे स्किल से, तो धीरे धीरे हमारा क्या है डिक्रीज होगा स्किल। अगर स्किल्स बरकरार नहीं रहता है तो आने वाले समय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी भी वही बोले कि अपने स्किल को डेवलप करो, अगर स्किल सही रहेगा अपने आप को स्किल वाइज ऐसे बनाओ कि आपको घर से उठा के लेके जाएगा, आपको कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज आप बोल सकते हो कि अगर ये सारी चीज आप डेवलप नहीं करते हो, अगर समय के साथ साथ अप टू डेट अगर नहीं होते हो स्किल वाइज तो आप सरवाइव कर नहीं पाओगे, डायनासोर जैसे दुनिया से चला गया आपको भी इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब है। आज देखिए प्रेजेंट जॉब सिनेरियो बता आप बता सकते हो, राइट बता रहे हो जॉब सिनेरियो की जॉब तो चला गया वो तो अलग बात है, उसके बाद हमारा हर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया तो आने वाले 3 साल गवर्नमेंट जॉब के बारे में मतलब सपने में भी मत सोचो ऐसे बता दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का पैसा दे नहीं पा रहा है, पेंशन दे नहीं पा रहा है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, उस जगह में न्यू जॉब के बारे में सपने में भी मत सोचो। तो हम लोग इतना पढ़ाई किया लाखों लाखों रुपया खर्चा किया तो क्या करेंगे, कैसे हमारा करियर हो, तुम इसके बारे में कुछ सोचे हो? हाँ बात तो सही है, क्या करेंगे, अब बात तो सही है क्या करेंगे, क्या किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कॉल किया हूँ, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हम ये क्या कि APLL के माध्यम से वंडरफुली हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है, जिस प्रोजेक्ट से हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वर्क फ्रॉम होम एजुकेशन लर्न फ्रॉम होम सिस्टम में हम इधर से एजुकेशन कर सकते हैं, राइट। कैसे, जहाँ से हम स्किल को डेवलप कर सकते, स्किल डेवलपमेंट कुछ कोर्सेस है स्किल के कैसे डेवलप कर सकते, कैसे हम अपने करियर वर्चुअल मोड में अपना करियर घर से पढ़ाई लिखाई करके कैसे बना सकते हैं, उसको लेके करियर काउंसलिंग है वर्चुअल मोड में, या ऐसे करियर काउंसलिंग का ऑर्गेनाइज किया गया जो करियर के हम अटेंड करके हमारा लाइफ में एक चेंज आ चुका है। अभी हमारे पास समय नहीं है, बहुत ही हम एक्साइटेड है कि अभी हमारे पास हमारे धमाका लेवल का करियर सामने वेट कर रहा है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट में जब अटेंड किए तो हमको बहुत ही अच्छा एक करियर का गाइडलाइन मिला इस सिचुएशन में, राइट। तो मैं तुम्हारे नाम तेरे नाम में लिख कर रखा हूँ, तेरे नाम लिख के रख के इसलिए तेरे को अभी बेसिकली फोन किया था कि अगर सिचुएशन है मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तेरे को बोलना चाहूंगा, तू मेरा अच्छा दोस्त है, कि वो अगर तू उस चीज को प्रेजेंटेशन को अगर अटेंड करता है, प्रोजेक्ट को अगर अटेंड करता है 100% तू अपना गाइडलाइन तेरे को एक मार्ग जरूर मिल जाएगा अपने करियर का, राइट। लेकिन बात ये कि सवाल ये है अभी क्या करेंगे, टेक अवे करना बहुत जरूरी है, राइट। सवाल ये है, ये तो कल तो ऑर्गेनाइज किया है, कल 11 बजे से है, लेकिन बात ये कि उधर लिमिटेड सीट है, सीट तो लिमिटेड है, अभी क्या किया जाए। तू अगर डायरेक्ट बोलेगा देख दोस्त है तेरे को मैं ज्यादा घुमा फिरा के बोलना भी नहीं चाहता, राइट।
तो तू अगर बोलेगा तो तेरा वो जो सीट है हम बुक करेंगे, तेरे को बोल के रखेंगे कि ऐसे भी तू टाइम तो वेस्ट, ऐसे ही वेस्टेज हो रहा है, टाइम तेरे पास है ही, हमको पता है, फिर भी बोल रहा तो कन्फर्म कर, तो मैं अकॉर्डिंगली बोल दूंगा, लिंक भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और कल के लिए तू अपना जो अगर ऑनलाइन होता है तो डेटा जो है वो सेव करके रखना है, ठीक है। वो बाकी क्या करना है मैं रात को तेरे कॉल कर दूंगा, तू अगर अभी बोलता है हाँ कन्फर्म है तो मैं अकॉर्डिंगली उधर जाके हमको ये करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन देना बहुत जरूरी। तो ऐसे करके हम थोड़ा बहुत हल्का टेक अवे करके, हल्का टेक ज्यादा नहीं, हल्का टेक अवे करके हम कोई भी स्टूडेंट को इन्वाइट करने का भी बहुत बहुत ईजी तरीका है। अभी तो दोस्त लोग को अभी तो ऐसे ही टाइम है, अभी बोलने से ही बेसिकली इन्वाइट हो रहा है, उतना ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं। फिर भी ये सारे जो जो चीज मैंने पॉइंट्स बताई, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इसको बात करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा उसमें एक लॉजिक आएगा, इनविटेशन या बात में एक लॉजिक आएगा। लेकिन बेसिकली तो इनविटेशन होता दोस्त को इनवाइट करने के लिए, क्या लॉजिक का क्या बात, इसमें बोलेंगे वो लोग आ जाएगा। अभी इम्पोर्टेंस है बोलना, राइट। जितना भी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी पढ़ाई करेंगे भी पढ़ाई का भी पूरा जो उसका जो बोल सकते करियर का कोई सिक्योरिटी या सियोरिटी नहीं है। तो हम किसी को भी कोई भी पढ़ाई करे, आपसे ज्यादा पढ़ाई करे, भले आप बी कॉम पास हो, वो एम कॉम पास हो, फिर भी आप एम कॉम पढ़ाई कर रहा है, एमएससी पढ़ाई कर रहा है, किसी को भी आप अपना जो हायर उसको भी आप इन्वाइट कर सकते, राइट। सेकेंड आ जाता है जॉब होल्डर, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जॉब होल्डर जो है वो रियली अभी एक ही चीज चाहता है, वो है इनकम। भाई कैसे भी करके हमको इनकम को कन्फर्म, सिक्योरिटी ऑफ इनकम, अभी एक ही चीज वो लोग समझ रहे हैं, वो सिक्योरिटी ऑफ इनकम। क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन फियर ऑफ जॉब लूज इन प्रेजेंट सिचुएशन, जो लोग जॉब होल्डर कब रहेगा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता है नेक्स्ट मंथ में उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में उनका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई नहीं बोल सकता। सो इसका एक फियर उसके अंदर में है ही, राइट। तो इसको लेके ही बात करेंगे, जो जॉब होल्डर है तो उससे थोड़ा बात कर सकते, पूछ सकते क्या आपको इसका कोई गारंटी व सिचुएशन सिक्योरिटी दे सकते हो, क्योंकि अच्छा ज्यादा से जो लोगों का जॉब उन लोगों को जा रहा है जो लोग ज्यादा पढ़ाई किया, ज्यादा जॉब उन लोगों को जा रहा है जिसका डेजिग्नेशन अच्छा है, अगर देखा जाएगा तो अच्छा अगर नौकरी करता हो तो, ऐसे आप बोल सकते, राइट। तो हम इसके बाद ही थोड़ा बहुत बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे, अगर जॉब को लेके आज का जॉब सीनरियो लेके जब बात करेंगे तो वो सही बोले, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको बोलेगा, जब वो फ्रस्ट्रेशन बोलेगा तब आपको बोल सकते कि हाँ हमारे पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से बेसिकली जो फिनेंशियल, व्हाट इज द फिनेंशियल सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, राइट। इस सिचुएशन में भी कुछ लोग है, कुछ बिजनेसमैन लोग है जो लोग अभी भी इनकम कर रहा है, उसका इनकम कोई नहीं रोक सकता, इनकम कंटिन्यू हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने जॉब को कैसे कंटिन्यू करके अपने इनकम को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हो, उसके बारे में अगर जानकारी है तो आपको टाइम कंपाउंडिंग साइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हर इंसान को अभी सिचुएशन आ चुका है, हर जॉब होल्डर को टाइम कंपाउंडिंग साइंस के बारे में जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके हम इनवाइट कर सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं बोल सकता हूँ आज के मार्केट में आपको मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो उस जॉब को कंटिन्यू करते करते भी आपका जो पैसा खर्चा है आने वाले समय में, जो मतलब इनकम होगा कि नहीं उसका सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको एक वंडरफुल सेकेंड सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप 1.5 से 2 घंटा समय देते हो। तो हर कोई अभी जानना चाहता है कैसे हम इनकम करेंगे, हर कोई चलो देखते हैं कि कैसे इनकम मिल सकता है। इनकम का बात अगर आज के मार्केट में आता है तो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, लोग ओपन माइंडेड हो गया, सवाल कम पूछ रहा है, अभी उसको चाहिए इनकम, सिर्फ इनकम चाहिए। जो अगर हम बोलते हैं कि सही में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर बोला जाएगा तो 100% हर कोई अभी इनकम करना चाहेगा। और बहुत जॉब होल्डर है पैसा, कुछ पैसा भी जुगाड़ कर रखा है जिंदगी भर का, वो पैसा लेके कुछ जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, ये ऐसे भी मेंटेलिटी है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके भी वो इनकम करना चाहता है, कि भले अगर 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर मंथ में 2-3 हजार रुपये आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हर जॉब होल्डर भी अभी पैरेलली कुछ साइड बाय साइड बिजनेस करने का भी सोच रहा है। इस सिचुएशन में हम इजी तरह जॉब होल्डर को आज के मार्केट में इनविटेशन करना सबसे इजीएस्ट थिंग है, राइट। तो ये सारे चीज वर्ड बोल के हम इजीली हम कर सकते, क्योंकि ये सब वर्ड, ये सारे चीज इजीली हम जॉब होल्डर को बोल सकते, वो है टाइम फॉर फैमिली एंड पेरेंट्स। ये छोड़ दो, ये तो बात की बात है, लेकिन एक्स्ट्रा जो सोर्स ऑफ इनकम एंड फिनेंशियल सिक्योरिटी, इनकम का सिक्योरिटी, अभी हर जॉब होल्डर इसी को ढूंढ रहा है, कि जैसे बोला पैसिव इनकम, आपको पैसिव इनकम की जरूरत है, लेकिन अभी जो काम इतना सालों से आपने किए
जहाँ से आपको पैसिव इनकम नहीं मिला। हमारे पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप अपना पैसिव इनकम को कंफर्म कर सकते हो, जिसके लिए घंटा समय देना पड़ेगा। देखो लिमिटेड सीट है, मैं एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूँ, राइट। आप जॉब करते हो, आपको पता है जॉब मार्केट का कॉम्पिटिशन, जॉब मार्केट का इनसिक्योरिटी आपको पता है, राइट। तो आपको मैं बोलूंगा एक डेढ़ घंटा समय देंगे, तो आई थिंक आपका जो भी सवाल है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सो आपका जो एक्साइटमेंट, आपका जो कमिटमेंट, आपका जो एटीट्यूड, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, ऐसे ही खींच के आ जाएगी, क्लियर हो रहा है। सो जॉब होल्डर को हम अभी आज के मार्केट में जो सीनरी है, इजीली हम किसी को भी, इवन हमारे ऐसे छोड़ दो, बड़े बड़े बोल रहे कि क्या बोले, जो एचआर बड़े बड़े कंपनी, हमने सुना कल ही बात कर रहा था हमारे एक एसोसिएट के साथ, वो आईबीएम बड़े बड़े कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट के लोग जो लोगों को नौकरी देता था, वो बोल रहे हैं कि मेरे को एक इनकम का अपॉर्चुनिटी, उसको जो बोला गया कि हाँ मैं भी चाहता हूँ इनकम करना, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, जो एचआर है जो लोगों को जॉब देता है उनको अभी इनकम की जरूरत है, सोचो। और वो हमारा एसोसिएट बन भी चुका है, उनसे भी आप बात करा सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। सोचिए आज क्या ऐसा सिचुएशन है, जो एचआर डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, मतलब जो जॉब लोगों को देता है, उसी का भी जॉब का जरूरत है, उसी को इनकम का जरूरत है, राइट। तो ऐसे बहुत एग्जांपल है, आज बैंक का बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, राइट, बड़े बड़े बैंक बोलो, इंश्योरेंस बड़े बड़े एजेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग वो लोग का हालत बहुत ही खराब है, इंश्योरेंस एजेंट से लेकर वो लोग का भी हालत खराब है, बहुत बड़ा बड़ा डेजिग्नेशन में होने के बावजूद भी, मैंने बोला था बड़े बड़े डेजिग्नेशन वाले लोगों को सबसे पहले जॉब से निकाला जा रहा है, उन लोगों को सबसे पहले, क्योंकि सैलरी ज्यादा था, उन लोगों का कटौती सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैक्सिमम सोसाइटी में जो लोग आपके नजर में देख रहा था एक कैटेगोरी में, जिसको आप डर रहे थे इन्विटेशन करने में, वो आपने बहुत बड़ा जॉब करता है, आप उसको अगर अभी इन्वाइट करेंगे तो सबसे पहले वही आएगा, राइट। तो ऐसे करके आप जॉब होल्डर कर सकते। उसके बाद हाउसवाइफ बोले तो अभी हाउसवाइफ को बोल सकते कि अभी जो सिचुएशन है, मतलब हाउसवाइफ को ये समझा सकते हैं कि हस्बैंड का हेल्थ और हस्बैंड का प्रोफेशन थोड़ा वो डिस्टर्ब है, ये पता है, राइट। अभी हाउसवाइफ का काम क्या है, जहां जहां पे हस्बैंड थोड़ा बहुत नर जाता है, उधर पे वाइफ उसका बैकअप देने की कोशिश करते, उनका मेंटेलिटी ऐसा है। तो उनको अगर आप बोलेंगे कि नहीं सही बात है कि आप हस्बैंड को थोड़ा, एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से अपने फैमिली का हेल्थ का सिक्योरिटी वो आपके हाथ में जो है, क्योंकि कोई भी अगर एड दिखाता है तो दिखाता है कि हमारा फैमिली का हेल्थ का सिक्योरिटी, समझ लो कि ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल जो हार्ट का, हमारे फैमिली का हार्ट का सिक्योरिटी सनफ्लावर ऑयल, वो कौन देखता है, वो उसका जिम्मेदारी है घर का, हाउस वाइफ का, मतलब हेल्थ का सिक्योरिटी का, हेल्थ के बारे में सभी का सिक्योरिटी के लिए उसके प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी जो आता है वो हाउस वाइफ का ऊपर। सो बच्चों को और हस्बैंड का, परिवार का हेल्थ का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी आता है हाउस वाइफ के ऊपर। तो हम लोग इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट है, आप और आपके फुल फैमिली को आप अपना हेल्थ का सिक्योरिटी दे सकते हो, हेल्थ के बारे में पूरा हेल्थ का नॉलेज आप इधर से ले सकते हो और अपने पूरा सिक्योरिटी दे सकते हो, और उसके साथ साथ हेल्थ को सही करके प्रोटेक्शन देकर आप इधर से पैसिव इनकम कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जो हाउसवाइफ लोग ज्यादा पसंद करते, फैमिली वाले ज्यादा पसंद करते, वर्क फ्रॉम होम, ये बात को आप बोल सकते हो। ऐसे बोलोगे हर हाउसवाइफ, अभी बोला कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक कि नहीं, तो अभी हस्बैंड निर्भर मत हो जाओ, अभी आत्मनिर्भर बनो। तो कोई भी हाउसवाइफ को बोल सकते हो, इतना दिन तो आप स्वामी निर्भर थे, अभी आत्मनिर्भर बनना है, वो अभी हमारा सरकार भी बोल रहा है, मोदी जी भी बोल रहे हैं, तो अभी आत्मनिर्भर बनना है, जहाँ से आपका जो हाउसवाइफ अपना जो आपका जिम्मेदारी है वो भी निभा सकते और आप इधर से आत्मनिर्भर बन सकते वर्क फ्रॉम होम। सो ऐसा करके इजीली हम हाउसवाइफ को इनवाइट कर सकते। और बिजनेसमैन का बोला कि बहुत अभी तो बहुत प्रॉब्लम है बिजनेस चारों तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादातर बिजनेसमैन डिपेंड करता था चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, वो चाइनीज प्रोडक्ट्स आर बैंड इन इंडिया और पीपल विल बॉयकॉट देम। तो वो टोटल अभी चाइनीज प्रोडक्ट जब बैन हो गया, मतलब बिजनेस गया चौपट उसका पहला। अभी दूसरा जो है, जो लोग ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं स्वदेशी, वो लोग हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारे चीज है, नाम तो हिंदुस्तान लीवर है लेकिन वो प्रोडक्ट भी है विदेशी। तो हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट मतलब वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल बनना है तो स्वदेशी प्रोडक्ट चाहिए, राइट। ये इम्पोर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए एक प्रॉफिट परसेंटेज। वो अगर हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बेचता है तो ज्यादा से ज्यादा 5% उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट एंड गैम्बल दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हर टर्नओवर के ऊपर 5% मिलता है।
जहां पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर 25% मिनिमम उनको मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, तो उनको बोल सकते इसके ऊपर कि ऐसा एक आप अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास ऐसा एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है जहां से आप 5% का प्रॉफिट कमा रहे थे, वही आप बिजनेस करके आप 25% प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। इसके लिए आपको अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेसमैन चाहता है कि और एक इन्वेस्ट करके दूसरा उधर से इनकम करना, मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उसको करना, राइट। तो इसके लिए इधर आप बोल सकते हो कि आप एक दूसरा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कोई भी अच्छा सा ब्रांड का अगर एजेंसी लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक वर्ल्ड, मतलब एक बोल सकते हो कि एकदम टॉप लेवल का USFDA अप्रूवल प्रोडक्ट का आपको एजेंसी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ लॉकडाउन के लिए। अभी सिचुएशन ऐसा है इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी आपको ये मौका दे रहा है। लॉकडाउन के बाद अगर होगा, इसके बाद ये सिचुएशन क्राइसिस सिचुएशन चले जाएगा, तो मिनिमम आपको 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये चीज हम बोल सकते हैं, राइट। ऐसे बोल के कोई भी बिजनेसमैन को हम इजीली कन्विंस कर सकते हैं, जहां से उसको भाई धंधा चाहिए। बिजनेसमैन बोले तो धंधा कहाँ पे, प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पे, धंधा ज्यादा, ये बोल सकते हैं। और उसको फेयर थोड़ा दे सकते हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट चला गया और स्वदेशी प्रोडक्ट का भी डिमांड आ रहा है। अभी विदेशी प्रोडक्ट नहीं होगा, हिंदुस्तान प्रोडक्ट स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं है, वो बाहर का प्रोडक्ट है, ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लोग हिंदुस्तान लीवर का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अभी प्रोडक्ट नहीं लेगा, इवन कॉलगेट वॉलगेट ये सब भी आना बंद हो चुका है, लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो विदेशी अमेरिकन प्रोडक्ट है, वो नहीं चलेगा, राइट। उसका बाद इधर आपको लाखों रुपया खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बिजनेस का जो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्मार्ट बिजनेस, सो डिफरेंस हमारे इधर कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है इधर हमारा, मतलब बोल सकते कि बिना इन्वेस्टमेंट का नील इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। और आपको अगर बिजनेस करना है बहुत अच्छा, आज के मार्केट में बिजनेस करना है तो कोरोना फ्री बिजनेस करना है। हर बिजनेस आज के मार्केट में नहीं चलेगा, वही बिजनेस चलेगा जो कोरोना फ्री है, वही बिजनेस चलेगा जो एसेंशियल है, जो आपको कोई सरकार रोक नहीं सकता उस बिजनेस को करने में। हम आपको ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी देंगे जहां से एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, वो कोरोना फ्री बिजनेस है, राइट। जहां से आप ये बिजनेस कर सकते हो, तो कोई भी इजीली कोई बिजनेसमैन इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वंडरफुल लेवल का एक अपॉर्चुनिटी, राइट। ऐसा करके हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्विटेशन का और एक तरीका है, बेसिकली जो लोग डिजिटली थोड़ा बहुत एडवांस है, राइट, आज सब लोग सोशल मीडिया के साथ अटैच है, अभी सब लोग जो है वो डिजिटली एकदम पूरा वंडरफुली कनेक्टेड है, राइट। चारों तरफ देख रहे हमेशा, अभी जियो तो 1.5 GB 2 GB रखा, और जब तक 1.5 GB 2 GB खत्म नहीं हुआ तब तक सोएंगे नहीं, सोने से पहले एक टारगेट है भाई हमारा 1.5 GB खत्म करना है। एनीवे, तो लोग सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन्वाइट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप स्टेटस में हम लिख सकते, इधर बहुत सारे लिखा है, मेक योर लॉकडाउन प्रियोड प्रोडक्टिव, सवाल, सपोर्ट योर फैमिली, आर यू 18+ एज, ऐसे हम कर सकते, आर यू बोर्ड सिटिंग एट होम, वांट टू स्टार्ट योर ओन रजिस्ट्रेशन फ्री बिजनेस, अर्निंग पोटेंशियल 25,000 से 40,000, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड लिख सकते जो वर्ड से लोग अट्रैक्ट होकर आपको कॉल कर सकते, वांट टू अर्न मनी in this quarantine time, start your own business, right, and make your dream come true, ऐसे बहुत सारे चीज जो है, ये सारे चीज लिख सकते, ये देखिए ऐसे हम लिख सकते, looking for an opportunity where you can develop your income and skill while working from home, ये बहुत important है, if yes, then drop your contact number, या contact, feel free contact me, I am running my business through online portal, I am looking for a ambitious, open-minded team, ऐसे हम लिख सकते, ऐसे लिख सकते, want to make it productive, but I don't know where to start from, तो ये सारे चीज़ कुछ चीज़ इधर देखा गया, कुछ भी लिखकर हम सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक में दे सकते, इंस्टाग्राम में दे सकते, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते, व्हाट्सएप स्टेटस में देके हम इनवाइट कर सकते, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके भी हम अपने इनविटेशन को बढ़ा सकते हैं, और ओवरऑल हम आपको आपको अगर बोला जाएगा, ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इनविटेशन एकदम नेचुरल प्रोसेस है, बात करेंगे हम नेचुरल वे में बात करेंगे, ज्यादा कुछ ऐसे भारी भरकम बात दोस्त के साथ नहीं करेंगे, जिसके साथ जैसे रिलेशन है रिलेशन को मेंटेन करेंगे, और ह्यूमेनिटी आपके अंदर में बातों में होना चाहिए, आपके अंदर में ऐसे होना चाहिए जो हेल्प अदर्स। आज के मार्केट में आज सब लोग देख रहे, चावल दे रहा है, आलू दे रहा है, ग्रोसरी आइटम दे रहा है,
मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब हेल्पिंग अदर जो मेंटालिटी है अभी लोगों में ग्रो हो चुका है ये सिचुएशन में। तो हम भी आपको इनवाइट करके आपके अंदर में ऐसा है कि हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मतलब हम आपको इनवाइट करके हम भी हेल्पिंग अदर्स मेंटालिटी हमारे अंदर में तैयार हुआ, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कुछ समथिंग विल गिव यू राइट, ऐसा मेंटालिटी। सो ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए जहाँ से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेगा राइट। तो ओवरऑल हमारा प्रेजेंटेशन खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।